शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो आंसर इसका मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें प्रथम है यानी फर्स्ट है छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना। यानी मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि छात्रों को जो वाक्य की रचना की जाती है यानी वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं, वाक्यों को किस प्रकार निर्मित किया जाता है आदि का ज्ञान कराना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है छात्रों को ध्वनि, ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का ज्ञान कराना। यानी छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा उनकी ध्वनि किस शब्द की कौन सी ध्वनि यानी ध्वनि के समूहों को एक साथ किस तरह बोला जाता है, शब्द को किस प्रकार बनाया जाता है, किस तरह बोला जाता है, सूक्तियाँ किस तरह बोली जाती हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरों को किस प्रकार बोला जाता है, इन सब का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को अवसरानुकूल शब्दावली एवं वार्तालाप तथा भाषण आदि की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। यानी छात्रों को जिस तरह अवसर पड़ते हैं शब्दावली का उपयोग करना, वार्तालाप करना एक दूसरे से, वाद विवाद, भाषण आदि की शैलियों का यानी इस प्रकार की शैलियों का ज्ञान कराना और उसमें उसके लिए प्रेरित करना। फोर पॉइंट है छात्रों को अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने व आत्मविश्वास के साथ बोलने में निपुण करना। यानी छात्रों में एक वैसा आत्मविश्वास जगाना कि हम इस भाषा शैली में निपुण हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना। कुछ फाइव है पॉइंट इसका छात्रों को निसंकोच होकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाना। यानी मौखिक अभिव्यक्ति से छात्रों को बिना किसी संकोच किए हुए अपने हाव भावों या विचारों को व्यक्त करने योग्य, यानी अपने हाव भाव विचारों को इस भाषा से वो व्यक्त कर सकें, उस उपयोग यानी उस के उपयुक्त बनाना। सिक्स पॉइंट है छात्रों में भाषा एवं अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को सीखने की रुचि उत्पन्न करना। यानी छात्रों में भाषा के प्रति इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करनी है कि वो इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों या विभिन्न शैलियों को सीखने में छात्र रुचि दिखा सकें, जिससे वो अत्यधिक सीख सकें। सेवन पॉइंट है छात्रों में स्वाभाविकता का विकास करें, प्रश्नों का तत्काल उत्तर देने की क्षमता का विकास करना। यानी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा छात्रों की स्वाभाविकता का विकास करना और उसके प्रश्नों का तत्काल उत्तर देने की क्षमता, यानी जो प्रश्न आपसे पूछा जाए मौखिक अभिव्यक्ति में तत्काल उसे जवाब देना ही मौखिक अभिव्यक्ति का भी उद्देश्य है। आठवां पॉइंट है छात्रों में भाषा सीखने और विभिन्न बातों की जानकारी करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कराना। यानी छात्रों को इस तरह अभिप्रेरित करना कि भाषा के प्रति रुचि रखें, उसे सीखने के प्रति रुचि रखें और भाषा के द्वारा विभिन्न बातों की यानी कई ढेर सारी अन्य जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, इन सब की जानकारी के प्रति उन्हें जागृत करना, यही मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए, यानी मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या साधन है। तो आंसर इसका मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है, जिसमें फर्स्ट है बोलना यानी एक दूसरे के बातों के द्वारा बोलना, सेकंड है चिल्लाना, कुछ व्यक्ति चिल्लाने के द्वारा, थर्ड है बड़बड़ाना जो आपस में अकेले अकेले बड़बड़ाते हैं, फोर्थ है गुनगुनाना यानी जो कुछ अच्छा लगे उसे अपनी धुन में गुनगुनाना, फुसफुसाना, सिक्स है भाषण, सेवन्थ है संवाद, एक दूसरे के संवाद के द्वारा नाटक खेलना यानी नाटक और खेलों के द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा, टेलीफोन पर संभाषण यानी टेलीफोन पर जो भाषण होते हैं यानी बातें की जाती हैं, विचार गोष्ठियों के द्वारा, कवि सम्मेलनों द्वारा, विभिन्न प्रकार के कवियों के सम्मेलन होते हैं और आपस में वाद विवाद द्वारा, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं जिसके द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का वृद्धि और विकास होता है और उसमें निपुणता प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियों का नाम उल्लेख कीजिए, यानी लिखित अभिव्यक्ति कौन कौन सी हैं उनका नाम बताइए। तो आंसर इसका लिखित अभिव्यक्ति जो कि आपके पास है, फर्स्ट है अनुकरण विधि यानी किसी बालक किसी व्यक्ति का किसी आस पड़ोस का या अन्य किसी को आदर्श मान के उसका अनुकरण करते हैं, उसे अनुकरण विधि कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि आप जानते हैं मैडम मरिया मॉन्टेसरी दी हुई बालकों को सीखना, मॉन्टेसरी विधि, जैकाटॉट विधि ऐसी होती है जिसमें शिक्षक एक सुलेख दे देता है बालक को, फिर उसे लिखने के लिए कहता है, फिर उसे चेक करते हैं उसमें कितनी मिस्टेक है, फिर स्वयं उसे अपनी अभिव्यक्ति द्वारा फिर लिखने के लिए बोलते हैं, फिर उसे चेक करते हैं यानी कितनी मिस्टेक है यानी गलतियां हैं उसे सुधारो। विश्लेषण विधि यानी एक दूसरे का विश्लेषण करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो भी एक लिखित अभिव्यक्ति है और मनोवैज्ञानिक विधि, और ये सभी विधियाँ जो कैसी हैं मनोवैज्ञानिक विधियाँ ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये कई बार आया हुआ है। आंसर इसका, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच लगभग 1 फुट यानी 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में व्यक्त किया है। तो आंसर इसका, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में व्यक्त किया है। जैसे वो फर्स्ट है यौगिक, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ने से, यानी यौगिक दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है, यानी जो बनता है वर्ड, उसे यौगिक कहते हैं। शब्दों के जोड़ने से, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक कहलाता है। जैसे पाठ प्लस शाला, यानी पाठ और शाला दोनों को ऐड से, यानी दोनों के योग से बना है पाठशाला, तो पाठशाला यौगिक है। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, ये भी क्या है, एक यौगिक शब्द है। और सेकंड है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द होते हैं जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, यानी वह शब्द जो वर्णों के योग से बने हो परंतु खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। अगर हम इन्हें इनका खंड कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जो प्राचीन से ही समझ आते हैं वर्णों के योग से बनते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, आदि, इन सब का अगर हम इसको अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे का प्लस ला, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। यानी रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनको अगर हम उनका जैसे विच्छेद करें तो उनका अर्थ रहित होना चाहिए, यानी अर्थ सहित होना चाहिए। अगर इनका अर्थ ही नहीं निकलेगा तो ये रूढ़ शब्द नहीं कहलाएंगे। थर्ड है योग रूढ़, योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्दों में उपयुक्त दोनों विशेषताओं का समावेश होता है, यानी यौगिक और रूढ़ दोनों के मिलने से ही बनाए, नाम से देखो योग प्लस रूढ़। उन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। जैसे जलज, जलज का अर्थ हो यानी किसी तीसरे को दिखा रहा है, जलज यानी जल में रहने वाला, जैसे कमल। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले, जैसे विष्णु। एवं चार पाई, चार पैर हैं जिसके, जैसे खाट। इस तरह यानी किसी अन्य शब्द की ओर अंकित करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्म चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, नामोल्लेख कीजिए। या ब्राह्म चिन्हों के प्रकार कितने होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। तो ब्राह्म चिन्हों के निम्न प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अल्पब्राह्म। अल्पब्राह्म यानी जहाँ कहीं भी हमें सूक्ष्म थोड़े समय के लिए रुकना होता है उसे, वहाँ पर अल्पब्राह्म का उपयोग करते हैं। अर्धब्राह्म, यहाँ पर जैसे अल्पब्राह्म से थोड़ा ज़्यादा नेक्स्ट समय, थोड़ा सा ज़्यादा समय, उसे अल्पब्राह्म, अर्धब्राह्म की जगह इसका साइन होता है, ये देखिए आप सामने है। पूर्ण विराम यानी जहाँ कभी हमें रुकना है, विराम लेना है, जो से पूर्ण विराम। पूर्ण प्रश्न सूचक चिन्ह यानी अगर किसी भी वाक्य को हमने पूछा हुआ है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, यानी क्या, क्यों, कब, तो वह उन्हें प्रश्न सूचक चिन्ह, जैसे क्वेश्चन मार्क। विस्मयबोधक विराम चिन्ह, विस्मयबोधक जैसे हा, उल्ला, ह्रास आदि के पीछे जो लगा हुआ होता है एक डंडा करके एक बिंदी वाले, ये विस्मयबोधक चिन्ह होता है। सिक्स है अपूर्ण विराम या उपविराम, यानी किसी को जैसे हमें दर्शाना है तो क्या कर देते हैं, इस तरह की लाइन दिखा देते हैं, तो ये क्या होता है, अपूर्ण विराम होता है आपका। सेवेंथ है निदेशक या निर्देशक चिन्ह, जिसे लागव चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह साइन दिया हुआ है। विवरण चिन्ह यानी हमें किसी वाक्य का विवरण देना है तो ये विवरण चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अवतरण चिन्ह यानी कुछ मुख्य बिंदु है उसे अवतरण यानी सिग्मा क्लोज के अंदर बंद करते हैं तो वो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। लागव चिन्ह जो आपके सामने है, जीरो जो बना हुआ होगा वो लागव चिन्ह होगा। 12 है लोप अथवा हंस पद, यानी इस तरह किसी प्रश्न के पीछे लगा देते हैं इसे लोप पद कहते हैं, हंस पद कहते हैं। थर्टीन है कोष्टक ब्रैकेट यानी योग चिन्ह, जिसे योग से दर्शाते हैं। समता चिन्ह यानी समता या बराबर का चिन्ह, दोनों में समानता हो। इतश्री चिन्ह यानी किसी वाक्य को जैसे लिख दिया वो आगे तक बढ़ेगा, इतश्री हो गया, अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं चार विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए, यानी अभी जो आपको बताएं उनमें से किन्हीं चारों को आप उदाहरण सहित। तो जिसमें फर्स्ट है अल्पविराम, अल्पविराम का मैंने आपको सामने बताया इस तरह अल्पविराम होता है। जब वाक्य में भाव व्यक्ति यानी किसी भाव की व्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े, यानी हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े किसी भाव के कारण या किसी अर्थ के कारण, तो वहाँ अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे गोपाल, हरि, श्याम और राम खेलते हैं, यानी गोपाल भी है, हरि भी है और श्याम और राम भी खेल रहे हैं, यानी इन सब में क्या यूज हुआ हुआ है, इनके मध्य में जो लगा हुआ है वो अल्पविराम चिन्ह है। सेकंड है अर्धविराम, अर्धविराम जानते हो आप, जब वाक्य में अल्पविराम से कुछ अधिक यानी अल्पविराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े तो अर्धविराम लगाते हैं। जैसे मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, तो देखो अल्पविराम से ज़्यादा थोड़ा समय रुकना पड़ा है, हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है अर्धविराम का।
उससे जरा भी कम नहीं है। और ये है वाला जो पूर्ण विराम है, थर्ड है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से विराम लेना, यानी जब थक जाते हैं तो विराम अवस्था में आते हैं ना इस तरह, यानी विराम लेना, अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य को पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, यानी जिस चिन्ह का यानी किसी वाक्य का शब्द का पूर्ण होने का जो ज्ञान कराए वो चिन्ह लगाए तो वो पूर्ण विराम होता है। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, जैसे ये बिंदी सी रख दी वो फुल स्टॉप हो गया। हिंदी में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे लालच बुरी बला है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा रुकना हुआ यहाँ विराम ले लिया, विराम चिन्ह है। राम अच्छा लड़का है, यहाँ भी विराम चिन्ह ले लिया, तो ये विराम चिन्ह है। फोर्थ है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसे होता है उनसे इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। आज्ञावाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे क्या तुम खाना खाओगे, देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, क्या क्यों जैसे कैसे, अगर ये शब्द आते हैं तो वाक्य यानी पूरा होने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे जो कि हमारा प्रश्न सूचक कहलाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, और ये प्रश्न सूचक शब्द है क्या, तो इस तरह के शब्दों में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो आंसर इसका किसी विषय वस्तु दृश्य या घटना वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार कर हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, तथा जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं वही स्वतंत्र अभिव्यक्ति की, यानी स्वतंत्र व्यक्ति क्या है, जो आपने कोई घटना देखी, दृश्य देखा, या जो वातावरण है उसमें जो कुछ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मन में आपके में जो कल्पना है या कोई चिंतन कर रहे हैं उसको क्या अगर मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त करना, यानी उसे मौखिक अभिव्यक्ति से करो या लिखित रूप से, वही स्वतंत्र आपकी अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा अभिव्यक्ति कितने रूप होते हैं, यानी भाषा अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो आंसर है भाषा अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, कि भाषा दो ही प्रकार से बोली जाती है, एक तो मौखिक रूप में, दूसरा लिखित रूप में, तो याद रखना ये एक नंबर है आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा अभिव्यक्ति की दो विशेषताएं लिखी, यानी मौखिक भाषा अभिव्यक्ति की विशेषताएं बतानी है, तो सबसे पहली ये भाषा है स्पष्टता, यानी जो कुछ हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं यानी मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए, बात को घुमा फिराकर नहीं कहना चाहिए वरन साफ साफ कहना चाहिए, यानी जो आप कुछ बोल रहे हो वो सामने वाले के समझ में आ रही है नहीं, यानी आपकी जो मौखिक लैंग्वेज है अभिव्यक्ति है वो कितनी स्पष्ट है, सामने वाला उसे कितना समझ सकता है, वही आपकी क्या कहलाएगी मौखिक भाषा की स्पष्टता। सेकंड है स्वाभाविकता, यानी जो कुछ भाषा आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसे स्वाभाविक लगे कि हाँ ये उसकी स्वाभाविक है, उसे बनावटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए, मैंने भी इससे पहले आपको मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताए थे, अब है ये लिखित अभिव्यक्ति के साधन, तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन है सबसे पहले पत्र लेखन, यानी किसी पत्र का लेखन करना, पत्र लेखन हो गया। मौखिक अभिव्यक्ति को क्या है हम शब्दों द्वारा दर्शाते हैं, किसी भी पत्र लेखन में या उपन्यास लेखन में भी आप क्या है जो आपके मन में होता है, जो आप उपन्यास लेखन कर रहे होते हैं उसे शब्दों द्वारा लिखित अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं उपन्यास के द्वारा। इसी तरह निबंध लेखन, जो कुछ भी लिखते हो आप शब्दों से निबंध लेखन में। आत्मकथा लेखन, यानी कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख रहा है या जीवनी लिख रहा है, जो भी लिख रहा है वो शब्दों के द्वारा दर्शाएगा, वो लिखित अभिव्यक्ति। संस्मरण यानी लेखन, किसी का स्मरण लेखन लिखना, जो कुछ आप देखा है जो महसूस किया है वो संस्मरण लेखन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किस प्रकार किया जाता है, आंसर इसका प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास सबसे फर्स्ट है कहानी या कहना या सुनना, यानी जब बालक छोटा होता है तो प्राइमरी में होता है, सबसे पहले क्या होता है उसे कहानी के द्वारा ही सिखाया जाता है, कहानी के द्वारा ही उसे सिखाया पढ़ाया जाएगा, कहानी के द्वारा ही उसे पाठ याद कराया जाएगा, तो उसे क्या होता है कहानी के द्वारा बालक क्या सीख कर सीखता है, सुनकर, पहले सुनना फिर सीखना बोलना ये क्रिया करता है बालक, तो कहानी के द्वारा क्या है पहले सबसे पहले बालक सुनेगा, उसे सुनेगा तो फिर सीखेगा, सीखने के पश्चात क्या करेगा बोलने की कोशिश करेगा, आगे बोलेगा। सस्वर वाचन, यानी जो कुछ आप पढ़ रहे हो आपने पढ़ा उसके पीछे उसका उच्चारण करवाना, यानी सस्वर आपके स्वर में उसी का वाचन करवाना। वाक्य रचना, यानी वाक्य को रचना या निर्माण कराना, वाक्यों की किस प्रकार रचना होती है, आपने ये लिख दिया बालक को दे दिया आप इसी के ऊपर वाक्य की रचना कीजिए, जैसे का लिखा है इसने आपने ऐसे ही खा लिखा तो बोलो बालक से खा लिखो, इसके ऊपर वो वाक्य रचना करेगा। फोर्थ है
बाल गीतों को कंटस्ट कराना व कविताओं को सुनाना, यानी जो कुछ कविताएं बालक बड़ी जल्दी तीव्रता से याद कर लेते हैं वो किससे, कहानी सुन सुन के बाल गीतों को कंटस्ट करते हैं। तो ये लिख क्या है सभी आपके प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल हैं जो कुछ बालक को प्रेरित करते हैं और अधिक से अधिक सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए तथा पुस्तक को कितने अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कई बार आया हुआ है ये। तो पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की दूरी लगभग 12 इंच, जो कि मैंने आपको बताया था, ये लगभग 12 इंच या 1 फुट होनी चाहिए तथा सीधे बैठना चाहिए। आपको बैठना चाहिए कैसे, सीधे बैठना चाहिए। पुस्तक को 45 के डिग्री पर यानी 45 के अंश पर पकड़ना चाहिए, इससे कम ना अधिक, जिससे आपको पढ़ने में भी सुविधा होती है और दृष्टि भी आपकी ठीक रहती है और पढ़ने का जो अधिगम होता है वो भी शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि क्या है। तो आंसर इसका, पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि, जिसमें फर्स्ट है, प्रत्येक वर्ड को निम्न आकृतियों के संयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भागों में पृथक कर कराना, यानी पेस्टालॉजी कहते थे। तो जैसे ये आपकी बॉल है तो इसको कई भागों में क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसको फिर पुनः ही इस नीट आकृति को बनवाना, ये क्या है, पेस्टोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है, खड़ी टेढ़ी और आड़ी लकीरें बनाना, यानी बालक के द्वारा जिस तरह लाइन बनाई जाती है खड़ी टेढ़ी तिरछी, उनको बनाना, इस तरह बालक के क्या है, रचनात्मक विकास होता है। थर्ड है, वृत्त अर्धवृत्त उल्टा अर्धवृत्त आदि बनाना, यानी बालक के द्वारा जो इस तरह बनाता है अर्धगोला की तरह वृत्त बनाए, तो ये क्या है, सभी बालक की रचनात्मक शक्ति को विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकाटॉट विधि को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों ये। तो आंसर इसका, जैकाटॉट विधि द्वारा लिखने सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिखकर दे दिया जाता है। जब एक शब्द बालक लिख लेता है तो स्वयं ही उसे शिक्षक द्वारा लिखी हुई मूल प्रति से मिला लेता है, यानी इसमें क्या दिया जाता है, बालक को लिखने के लिए एक वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य को क्या करता है, फिर वो स्वयं लिखता है और जो शिक्षक ने लिखा है उसी प्रति से, यानी शिक्षक के जो आंसर है उसे मिला लेता है और मिलाने के पश्चात अपनी अशुद्धि को सुधारता है, यानी जो कुछ गलती हुई है लिखने में, वाक्य में मिस्टेक हुई है, उसे वो सुधारता है। फिर इसी प्रकार पूरा वाक्य लिखा जाता है तो फिर उसे स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने को कहा जाता है, यानी बालक ने जैसे तरह ले का लिखने के लिए बोला हमने, तो बालक ने पहले का को लिख लिया, अब शिक्षक की आंसर की में देखेगा हाँ वो ठीक है, ठीक हो गया तो आगे क्या होगा अपनी, अगर गलत है तो उसे सुधारेगा और ठीक है तो आगे बढ़ेगा। फिर का से बालक बनाया उसने, का से फिर उसने शब्द बनाया एक कल, अब उसने अपनी स्मृति के आधार पर बनाया ये कल, दोनों वाक्यों जैसे का और ला दोनों से मिलकर बनाया ना, तो उसे आधार पर वो इसे स्मृति के आधार पर अब वो पूरा करेगा। अब पूरा करने के बाद फिर इसे आंसर से मिलाता है और अगर इसमें अशुद्धि होती है कोई तो उसे सुधारेगा और नहीं अशुद्धि है तो आगे प्रोत्साहित होकर यानी उसे फीडबैक मिल जाता है और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर किसे कहते हैं। तो आंसर इसका, अक्षर शब्द, यानी अक्षर का अर्थ लिखिए, अक्षर शब्द। तो अक्षर है जो ना घट सके और ना नष्ट हो सके, नाम ही उसका अक्षर, देखो संधि विच्छेद करते हैं तो ना क्षर, ना क्षरने वाला यानी ना नष्ट होने वाला ही, ना घटने वाला। इसका प्रयोग पहले वाणी या वाक्य के लिए एवं शब्दांशों के लिए होता है, वर्ण के लिए भी अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि लिपि की संकेतों द्वारा व्यक्ति वर्णों के लिए आज भी अक्षर शब्द का प्रयोग सामान्य जन करते हैं। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन ने अक्षर को अंग्रेजी सिलेबल का अर्थ प्रदान कर दिया, यानी अंग्रेजी ने वैज्ञानिकों ने इसे सिलेबल का अर्थ दे दिया है, जिसमें स्वर स्वर तथा व्यंजन अनुस्वार सहित स्वर या व्यंजन ध्वनियां सम्मिलित मानी जाती हैं। यानी जैसे अक्षर को आपको अर्थ बताना है तो अक्षर आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, ना क्षर यानी ना तो नष्ट होने वाला ना ही घटने वाला, वही आपका क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई है तो इसको कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।